जिसके सामने मुझे बोलने से कभी भी कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, जो मन में था मैंने उसको बोला। उसने मेरा ऐसे बच्चे की तरह, मतलब कभी उसने मेरा बच्चे की तरह ख्याल रखा, कभी मैंने उसका बच्चे की तरह ख्याल रखा। एंड आई वॉज नॉट एट ऑल लाइक अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट पीपल आर लविंग अभिषा सो मच। मतलब आई नेवर थॉट दैट, मतलब जब मैं बाहर निकला आई वॉज लाइक सुपर सरप्राइज, आई वाज लाइक व्हाट दे आर शिपिंग अस टुगेदर, आई वाज लाइक भाई कैसे, मतलब भाई मतलब जेन्युइन। बट इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अभी भी लाइक 8 दिन से हम बाहर आए हैं, वी टॉक एवरी डे, 8 या 9 दिन हुए, मतलब कितने भी जितने भी दिन हुए, मतलब वी टॉक एवरी डे। एंड वी डोंट टॉक अबाउट बिग बॉस टू बी ऑनेस्ट, वी टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स। आई मेक श्योर कि जैसे यूट्यूब पे वो आई है और शी इज़ मेकिंग कॉन्टेंट, तो मैं उसको मेक श्योर करता हूँ कि वो समझे कि आपको कैसी क्वालिटी देनी है, आपको कैसे ब्रांड डील्स करनी है, आपको कैसी चीज़ें हैंडल करनी है, बिकॉज आई फील आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हर। और मुझे लगता है कि शी अभी वो इतनी लाइक उसको इतनी समझ नहीं है इस लाइक सीन के बारे में, यूट्यूब सीन के बारे में और ब्रांड डील्स के बारे में, तो आई फील कि मेरे को उतनी समझ है, तो लाइक शी इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी एंड आई एम गाइडिंग हर टू विन इन लाइफ, नॉट द बिग बॉस हाउस ओनली। तो मैं उसके साथ वो सिचुएशन होल्ड करता हूँ, मुझे ये रोज का दिखाने की लोगों को सोशल मीडिया पे कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, हम जितने क्लोज हैं वो मेरे को जरूरत नहीं है। लाइक शी इज़ वेरी 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 स्पेशल टू मी, मेरे दिल से हमेशा एक लाइक बेस्ट फ्रेंड मैं मानता हूँ। मेरा कोई लव एंगल नहीं है, ना मनीषा के साथ ना जिया के साथ, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने हमेशा घर के अंदर भी बोला था कि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो प्यार को बहुत सीरियसली लेता है, और मेरे को दिल में मैंने थोड़ी ठोकर खाई है ज़िंदगी में, तो मैं थोड़ा सेफ चलता हूँ उस चीज़ में, और मैं बड़ा लाइक उसको स्पेस देता हूँ अलग से। तो बेस्ट फ्रेंड है मेरी मनीषा और हमेशा रहेगी। एंड आई वॉन्ट कि मैं लाइक प्यार व्यार तो लोग छोड़ते हैं, रिलेशन में आते हैं 2 साल 1.5 साल छोड़ जाते हैं, आई डोंट वॉन्ट दैट सिचुएशन विद हर। मैं हमेशा यही चाहूँगा कि उसके साथ जो बॉन्ड है हमेशा रहे, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर टुगेदर एंड हमेशा रहेंगे। जहाँ तक बात आई रिश्ते इनफैक्ट मैं बताऊँ, मनीषा के लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू मैंने लिया था जब वो घर के बाहर थी, वो जाने वाली थी बिग बॉस ओटीटी में। ये इंटरव्यू मैंने रिलीज किया था ओटीटी के दौरान। उस वक्त वो लड़की रोने लगी मेरे कॉन्वर्जेशन में अबाउट समथिंग वेरी पर्सनल, ठीक है। उस लड़की ने मेरा इतना दिल जीत लिया और उसने मुझे भी सेंटी कर दिया भाई। और मैंने अपने पूरे टीम से कहा और फिर आज कह रहा हूं, ये लड़की बनी है बड़े चीजों के लिए, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट अचीवमेंट्स के लिए। ये लड़की बने हुई है जहां पे ये लोगों को इंस्पायर करेगी बहुत सारी चीजें करने के लिए निजी जिंदगी में भी। बिल्कुल, मैं तो उसको हमेशा बोला कि तेरा खुद का जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल है, वैसे तेरा होगा एक फनी नाइट्स विद मनीषा, एंड दैट इज हर गोल। लाइक शी इज लाइक कि मेरे को उसको बॉलीवुड इन चीजों से ज्यादा इस चीज का शौक है कि उसका खुद का शो हो, एंड आई एम लाइक जब वो होगा आई विल बी योर बिगेस्ट चीयरलीडर इन दैट शो। मे बी ये अच्छा भाई, पूजा भट्ट ने